हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई एस पी सी एस पॉजिटिवली। आई एम प्रेम कुमार और यह हम लोग का 67 बीपीएससी इंटरव्यू बेसिक गाइडेंस प्रोग्राम चला रहे हैं हम लोग। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। यही सब चीज़ों आपको गाइड करने के लिए कोचिंग वाले पैसे भी लेते हैं, तो आप लोग अपने से भी तैयार कर सकते हैं और यहाँ से हेल्प ले सकते हैं और मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। जिनको मतलब गाँव दूर दराज में रहते हैं तो उनके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक वीडियो अगर किसी को फ़ायदा पहुँचाता है तो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब कि प्राउड का बात होगी, और किसी को भी हेल्प हो रहा तो कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए, पहले हम लोगों ने पार्ट वन जाना था, जिसमें कि इंटरव्यू का प्रोसेस और बेसिक क्या मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो सब, और 10 पिलर डाला था जिसमें कि बताया था कि किस तरह का आपको कौन कौन चीज़ तैयारी करना है। पहला में आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, दूसरे में होम डिस्ट्रिक्ट या होम स्टेट, और तीसरे में आपका ये हॉबी रहेगा। जो पार्ट फोर है, इससे पहले आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपको होम स्टेट या होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोगों ने डाल दिया था, तो देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पर होते सब्सक्राइब कर लेंगे एंड प्रेस दी बेल आइकन एंड लाइक दी वीडियो, इट्स माय मैनिफेस्ट। देखिए, हॉबी के बारे में सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही पूछा जाता है, ज़्यादातर चेयरमैन ही पूछते हैं कि आपका हॉबी क्या है। तो हॉबी के बारे में अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि हॉबी क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपका क्या हॉबी है, तो हॉबी वैसा मतलब कि एक्टिविटी जिसको कि करने में आपको रिफ्रेशमेंट फील हो, कोई काम करके आए हो तो आपका मतलब कि वो सारा माइंड से प्रेशर हट जाए, मतलब कि आपको रिलीफ को ये रिलीज कर दें, सॉरी मतलब टेंशन को रिलीज कर दे। इस तरह का हॉबी होता है जिसको करने में मज़ा आता है, दोनों चीज़ बोल सकते हैं, जिसको मतलब कि आप इंजॉय करें करने में। तो जैसे कि आप बहुत सारे लोगों का हॉबी होता है, जैसे क्रिकेट देखना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, आपका मतलब कि वॉकिंग करना, लोग जॉगिंग डालते हैं, योगा डालते हैं, एक्सरसाइज डालते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना, जो भी चीज़ है आप डाल सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैंने देखा कि लोगों से कम्युनिकेट करना भी हॉबी है, बर्ड वॉचिंग भी हॉबी है, मतलब कि चिड़िया को देखते रहना। तो आपको मान लीजिए अगर कोई रियल हॉबी है उसको सब्सटेंशिएट कर लेना, पढ़ने में अच्छा है मतलब कि आपके पास कंटेंट है तो उसको डाल दीजिएगा, अदरवाइज ये जनरल जिनको नहीं पता होगा, थोड़ा सा भी हॉबीज योगा से मतलब कि इंटरेस्टेड है तो ये डाल सकते हैं। हम लोग इस पर करा रहे हैं जो कि मैं तैयार किया है मैंने, तो उसके बारे में बताऊंगा, आप लोग नोट्स बना सकते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले पूछा जाएगा कि योगा योगा क्या है। हॉबी के बारे में थोड़ा सा बेसिक यही आइडिया था कि हॉबी के बारे में आपसे पूछा जाएगा आपका हॉबी क्या है। जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट का बनाए तो क्रिकेट का पूरा इतिहास कौन रिकॉर्ड बना रहा है, कब क्या मतलब कि इंडिया कब जो है आपको वर्ल्ड कप लाया था, या अभी किसी का मतलब कोई रिकॉर्ड बना विराट कोहली है जो भी है, या कौन सा आईपीएल जीता, कौन सा ये वनडे, सबका आपको आइडिया रहना चाहिए। उस तरह से आप बैडमिंटन देखेंगे तो वो सब यूट्यूब पे सर्च करिएगा या गूगल पे, बहुत सारे लोग का मिल जाएगा। योगा का हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ योगा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो योगा देखिए, संस्कृत का एक वर्ड है यूज इससे निकल कर रहा है, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। ये ऋग्वेद में भी इसका ये है, एकीकरण या बाधना भी बोलता है इसको, इसका मतलब देखिए योगा का मतलब होता है माइंड और बॉडी, ठीक है। जो आपका दिमाग, आपका शरीर है, मतलब कि फिजिकल और मेंटल दोनों चीज़ों को एक साथ यूनिफाई करना, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड एंड बॉडी इज कॉल्ड योगा। और इसको इस तरह से भी आप बोल सकते हैं कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है या स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आप लोग लिख सकते हैं इसको, जिसमें बॉडी आपका माइंड और जो है आपका सोल मतलब अपना एक साथ लाने का काम होता है, ये सब लिख सकते हैं। योगा का जेनेसिस कैसे निकल कर आता है, पतंजलि योग क्या है, इसके बारे में देखिए, योगा यही संस्कृत वर्ड से निकल कर आया है, आपको ये सब बता सकते हैं। हिस्ट्री में योगा के पहले गुरु आदि देव शिव को माना जाता है, गुरु दत्तात्रेय दत्तात्रेय को भी माना जाता है, शिव और दत्तात्रेय दोनों को। ये शिव भगवान जो है ये वही है, आपको उन्होंने पार्वती माता को दिया था ये इसकी शिक्षा, और 7 ऋषि को भी दिया था जिनको सप्तऋषि भी बोला गया था, ये सब देख सकते हैं। ज़्यादा हिस्ट्री हम लोग नहीं बताएंगे, आप लोग गूगल या कहीं से पढ़ सकते हैं। ये जो बेसिक मेन क्वेश्चन आता है वो हम लोग बता देते हैं। देखिए, पुराणों में ये चीज़ चर्चा हो गया, और अभी ये आपको रामदेव बाबा भी इसके बहुत सारा चीज़ को लेकर कर रहे हैं, पतंजलि का आप लोग नाम सुने होंगे, इनको योग का गुरु माना जाता है। और विश्व लेवल पे अभी योगा डे मनाया गया है आपको 21 जून को, इसका थीम क्या है, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर ये आपका जो G20 का मतलब कि थीम था उसको लेकर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी जेनरेट हुआ है। ये ब्रेग्जिट जो है वो यूके जो बोल रहे हैं वहाँ पे कि इसको ये वसुधैव कुटुंबकम को इस तरह का कुछ मतलब है इसको निकाला जाए, या चाइना बोल रहा है शायद, सॉरी। देखिए, ये इस बार जो योगा मनाया गया उसमें 108 देशों के प्रतिनिधि ने एक साथ ये योगा किया था, ये भी आप एक पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ये डिवीजन अगर देखिएगा इसका योगा का, तो आपका एक है कर्मयोग, एक है भक्ति योग, और एक ज्ञान योग, एक क्रिया योग, चार को देख सकते हैं। कर्मयोग में मतलब कि आपको कर्म करिए, बॉडी का यूज करना है उसमें, और भक्ति योग में इमोशंस जुड़ा होता है, ज्ञान योग में माइंड का इंटेलिजेंस, क्रिया योग में एनर्जी का यूज, ये चारों चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, 21 जून को योगा क्यों मनाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए, नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर देखिएगा सबसे लंबा दिन 21 जून को ही होता है, इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन जो है सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता भी है, इसलिए इस दिन
ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, ठीक है। और ये उत्तरायण दक्षिणायन आप लोग जानते होंगे, तो दक्षिणायन में ये परंपरा है, भारतीय परंपरा ट्रेडिशन, कि उस समय आध्यात्मिक विद्या अगर प्राप्त कर रहे हैं तो बहुत ही मतलब कि आपका समय अनुकूल होता है, इसलिए मनाया जाता है, ये चीज़ भी बता सकते हैं। और ये देख सकते हैं प्राणायाम में, जैसे कि आपको मुद्रा पूछा जा सकता है, कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ योगा जैसे अष्टांग योगा, आसन क्या है इसके बारे में, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो योगा का ये कंसेप्ट है, 2014 में 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये मनाने का निर्णय लिया गया, 2015 में फर्स्ट टाइम योगा मनाया गया था 21 जून को। तो ये सारा चीज़ है। और कौन सा आसन आपके द्वारा किया जाता है तो आप बता सकते हैं, मान लीजिए अनुलोम विलोम, या कोई आप आसन करते हो प्राणायाम वगैरह, तो ये सब बता सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह का प्रोफेंसी आप इसमें ये करते हैं, क्या फ़ायदा है योगा से, तो आपको हेल्थ में मतलब कि आपको इनर्जी का संचार होता है, डिजीज कम हो जाएगा, हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, मेंटल फिजिकल दोनों का मतलब बैलेंस बना रहता है, इम्यूनिटी भी डेवलप होता है, माइंड काम रहता है, शांत रहता है, रिफ्रेशमेंट होता है, टेंशन कम होता है, फोकस ज़्यादा, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ये सारा चीज़। आप लोग योगा मतलब कि हाउ डिड यू लर्न योगा, आपने कैसे सीखा, ये सब आप लोग बता सकते हैं, इसका रिलेवेंस हिस्ट्री मैंने बता दिया। अष्टांग योगा के बारे में देखिएगा तो एक यम है, एक आपका नियम है, एक आसन है, एक प्राणायाम है, प्रत्याहार है, और एक धारणा है, ध्यान है, समाधि है, नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। ये योगा का इफेक्ट माइंड पे क्या पड़ता है वो आप लोग बता सकते हैं जो मैंने बताया। और ये फिजिकल एक्सरसाइज से कैसे अलग है, जैसे कि मान लीजिए जो जॉगिंग करते हैं या जिम करते हैं उससे अलग कैसे है, इस चीज़ को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो जैसे कि जिम वगैरह में आपको फिजिकल पे, इसमें माइंडल मेंटल पे भी योगा पे हम लोग ध्यान देते हैं, इंटरनेशनल योगा, ये बता दिया मैंने 21 जून ये थीम था, ये आपको योगा पर वसुधैव कुटुंबकम, गवर्नमेंट का क्या स्टेप है, तो वहीं आपको ये मोदी जी को गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा इंटरनेशनल लेवल पे इसको सॉफ्ट पावर के इंक्रूवमेंट इंकरेज करने में ये चीज़ देखते हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में देख लीजिएगा, कुंडलिनी जागरण, हॉट योग के बारे में भी थोड़ा सा आप लोग ये गूगल करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा अपने तरफ से भी ये करिएगा। और योगासन और विपासना मेडिटेशन, मेडिटेशन वाला टॉपिक्स भी अगर आप ये हॉबी में डाल लेते हैं, इसको भी आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और इसके पहले हम लोगों ने ये चीज़ डाल दिया, एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, ये होम डिस्ट्रिक्ट होम स्टेट वाला डाल चुके हैं। और एक करंट अफेयर का 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो है जिसमें कि आपको मणिपुर हो गया, नू वायलेंस हो गया, राहुल गांधी का केस हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, दिल्ली फ्लड हो गया, लिकर बैन हो गया, ये सभी टॉपिक्स हम लोगों ने डाला है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।